मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। चुप, गजब बेइज्जती है, बिल्कुल चुप। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पावर है मास्टर, वापस पीना शुरू कर दो। तो करना करो फिर, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए चीजों का। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। हेलो गाइस, तो मैंने देखा कि काफी सारे लोग गवर्नमेंट के नाम पर पैसा कमा ही रहे हैं, तो फिर इसमें गलत क्या है? और वैसे भी 15 लाख तो अब आने से ही रहे। आज जो तुम लोग मोदी जी पे हंस रहे हो ना, एक दिन रोना पड़ेगा भाई। आप लोग मोदी जी को सपोर्ट क्यों नहीं करते? इतने अच्छे आदमी को सपोर्ट नहीं करते, किसको सपोर्ट करोगे भाई? मजाक में मत लो यार, प्लीज सीरियसली लो, मजाक में मत लो। पिछले हफ्ते बजट भी आया है साल 2022 का, और बजट देखकर बस एक ही चीज याद आई है, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वाला बजट भी कुछ इसी तरह आया था। और रही बात क्रिप्टो वालों की, तो क्रिप्टो वालों, तुम तो वड़ा पाव भी ना खाते। वैसे कहते हैं पॉलिटिक्स, हर चीज का सही वक्त पर सही ढंग से इस्तेमाल करने का हुनर होना चाहिए। जो अच्छा चल रहा है उसे बिगाड़ना आना चाहिए, जो बिगड़ रहा है उसे सुधारना आना चाहिए। नहीं समझे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? मास्क किधर है आपका? किधर है मास्क? किधर है मास्क? किधर है मास्क? पहन। भूलने वाले भूल जाते हैं, पर राकेश टिकट नहीं। टिकट अपील कर रहे हैं लोगों से कि यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को वोट ना दे, और इसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है। चलाने को क्या होता तेरे को? सेठ जी, किधर है लड़का? उत्तर प्रदेश में वोटिंग शुरू हो चुकी है, सभी पार्टियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, एक बीजेपी को छोड़ के। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जोक्स असाइड, काम पे वोट करना गाइज, और सबको बेस्ट ऑफ लक। भाइयों बहनों, पहले ये पैसा कब्रिस्तान के विकास में खर्च होता था, अब यही साथ ये क्या बोले मैं समझा नहीं। तू मुझ पर एक एहसान करेगा? बोलो, आप जो बोलोगे करूंगा मैं। दो टिचकुले में से मेरा टिचकुले निकाल दे, लोग जितनी गालियां तुझे दे रहे हैं उसमें मैं भागीदारी नहीं चाहता हूं। तोती तो छोड़ दे। जानवरों का हो या फिर इंसानों का, झुंड झुंड ही कहा जाता है। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ झुंड भरे जानवरों ने एक अकेली लड़की को परेशान किया। चार बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे चनूने काट रहा। कम मर्यादा रखिए। लखीमपुर खीरी के मुख्य आरोपी को अदालत ने जमानत दे दी है, याद आया? नहीं। अरे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे, अब आया याद? नहीं। अब पक्का याद आ जाएगा, सलमान खान के सबसे बड़े फैन। वाह क्या बंगला है भाई, बहुत अच्छा, क्या बात? वो है बंगला। अगली न्यूज है बबीता फोगट के बारे में। देखेला लगता है मेरे को। अच्छा, हमको सिखा रहा है। करी थी इसी दौरान रालोद कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले को लेकर काफी गुस्सा है बबीता फोगाट। सुनिए क्या कहना है उनका। मारा गया, आई बीन बीटन, मुझे मारा गया। अपने के ऊपर गाड़ियों के ऊपर डंडे पर है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, गांव वालों के सिर फोड़े हैं, तो मैं कह नहीं सकती कि ये गुंडागर्दी। अगर यहाँ जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको कहूंगी कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक एक वोट स्टूडियो बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, अरे सबसे बड़ी भूल, हमने बीजेपी को वोट दिया, आगे से नहीं देंगे, अब नहीं देंगे वोट। मुझे अपने घर जाना है। I am sorry, बाबू। हमारे पीएम ने संसद में बड़ी बेशर्मी से फर्स्ट और सेकंड वेव की डेथ का इल्जाम कांग्रेस के माथे मत दिया। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? तो झूठ फैलाया हुआ है तो अंदर डर तो होगा।
डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में। अब जरा कोई समझाइए, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी, क्या नाम है आपका? राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी की नहीं सुनता। क्या हुआ? सोच तेरी, क्या तेरी पकड़ है? क्या हुआ? कमाल की पकड़ है इसकी। ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद ऑफलाइन परीक्षा लेने पर काफी लोगों ने नाराजगी जताई है और कई जगहों पर तो प्रदर्शन भी करा है। इस केस में संजय दत्त के रफ वर्क हिंदुस्तानी भाव को भी अरेस्ट करा है। इसमें सरकार की भी गलती है। अब बच्चों ने ऑनलाइन क्लास के नाम पर इंस्टाग्राम में कच्चा बादाम ही करा है, तो उनसे उम्मीद है क्या करेंगे। मैं डोंबोली से हूँ, पेंडरगर कॉलेज। आज मेरा पेपर था, मैं पेपर छोड़ के इधर आए। पेपर क्यों ले रहे हैं ऑफलाइन? ऑनलाइन पेपर लेना मांगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 80 मार्क का पेपर, 10 मार्क का भी कुछ आता नहीं है। मजाक में मत लो यार, प्लीज सीरियसली लो, मजाक में मत लो। अरे भाई मैं सीरियसली ले रहा हूँ भाई। चलिए बच्चों से जानते हैं कि उनका इंग्लिश का पेपर कैसा गया है। हाउ वाज द पेपर? ठीक है। वाज इट डिफिकल्ट? क्या वाज इट डिफिकल्ट? क्या जी, हिंदी में बोलिए ना। How was the paper? राज कपूर कुमार। ने क्या बोला, उसका नाम क्या? ये साला भैरा है क्या? अरे भैरा नहीं हूँ यार, मेरे को मालूम है उस। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं तुम्हारे। चलिए गाइस, आज तो हो गया हमारी ओर से, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बस अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखना। Do you get my point? आजा, संडास दिखा दो। पहले इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त भाषण दिखाएंगे और आज उन्होंने बहुत दिन के बाद एक ऐसा एंटरटेनिंग भाषण दिया है जो विपक्ष को बहुत चुभा होगा, खास तौर पर कांग्रेस को तो बहुत ही चुभा होगा। इसलिए आज सबसे पहले वो भाषण देखिए। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये पार्टी अगले 100 साल में भी अब सत्ता में लौट नहीं सकती। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। पैसा टाइम पे देता है? छोड़ा काय को उसको तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, बैठ जाओ, मैं तो दोस्तों के सामने लड़का दूंगा। बैठ रे बस। ऐसे हो जाए, एक खानदान में एक ही नालायक है साला।